अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में एक आदमी है जो कि प्लेन से गिरता है और गिरने के बाद में वो 50 मीटर नीचे तक गिरता है, 50 मीटर नीचे तक गिरता है और फिर अपना पैराशूट ओपन कर लेता है। इस पॉइंट पे जब वो पैराशूट ओपन करता है तो यहाँ से उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगने लगता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इतनी जानकारी हमें क्वेश्चन में दी है। और ज़मीन पर जब आता है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी होती है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखो, अगर तुम क्वेश्चन पहचानोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हो रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, ए से लेके पी पॉइंट तक, ए टू पी मोशन अंडर ग्रेविटी मग। और यहाँ से यहाँ तक हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो यही करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको टोटल हाइट बतानी है जब वो कितनी हाइट पे उसने पैरा जंप किया होगा प्लेन से, ये एच हाइट निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो सर पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम, वी वन। यहाँ पर वेलोसिटी की कोई जानकारी नहीं है तो हमें मानेंगे कि ये स्टेशनरी प्लेन हवा में ऐसा हॉल्ट कर रहा था और वहाँ से ये जंप करा है, यू जीरो है। अब इक्वेशन लिखते हैं, वी वन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच ये है, इसे एच वन बोल देते हैं। तो वी वन स्क्वायर क्या हो, यू तो जीरो होगा, वी वन का स्क्वायर की कोई जानकारी नहीं है, 2 × 9.81, और जैसे कि मैंने अजम्पशन सिखाए हैं तुम लोगों को तो एच क्या हो जाएगा, -50, यही हो जाएगा क्या। तो ये कितना हो गया, 2 × 9.8 × 50, दैट इज 980 वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब पी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, ये जो अपना ग्राउंड है ना, पी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक बार और इक्वेशन लगा दो, कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होगी, वी वन स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अपन। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस विल बी द फाइनल कंडीशन, सो वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस टू ए एस। माइनस क्यों लिया, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, साइन के साथ पुट कर दिया। v का स्क्वायर हो जाएगा 9, v1 का स्क्वायर है 980, 2as माइनस के साथ, 980 माइनस बाय 2 और एक्सेलरेशन है 2, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, कितना आ रहा है ये, 971 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज़ 242.75 मीटर। कितना आ रहा है, 242.75 मीटर। तो हमें ये वाली हाइट मिल गई ना, यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट, सही बच्चे ध्यान से देखो, हमें ये हाइट मिल गई ना, ये कितनी है 247, और गिरा कितने पे था वो, 50 मीटर ऊपर गिरा था जब वो मोशन अंडर ग्रेविटी कब तक किया था, 50 मीटर ऊपर से। तो 242.75 प्लस 50 कर दो, प्लस 50, इट इज 292.75, तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर बोल सकते हैं, दैट इज 293 मीटर। सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम।